नमस्कार, मैं सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर, LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में हम आज ऑर्डर 33 के रूल 8 से लेके 18 तक करेंगे, ठीक है। जो बाकी बचे हुए थे पिछले वीडियो में हमने किए थे, जो आज बाकी बचे हुए, ठीक है। तो ऑर्डर 33 किससे संबंधित था? निधन व्यक्तियों द्वारा कोई वार्षिक किया जाता है, कैसे किया जाता है, उससे संबंधित था। कौन कौन से रूल ज्यादा याद रखने हैं? हमको रूल 1 का फर्स्ट स्पष्टीकरण याद रखना है कि निधन व्यक्ति कौन होता है। उसके बाद में अपने को याद रखना है रूल 1A में कि जांच कौन करता है? मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी जांच करता है। रूल 2 में क्या याद करना है? रूल 2 में याद करना है कि वो क्या क्या मतलब वो विषय वस्तु क्या होगी, चल अचल प्रॉपर्टी बताएगा, उसका प्राकलित मूल्य बताएगा। रूल 3 में क्या, कौन उपस्थित कर सकता आवेदन, स्वयं या अधिकर्ता के माध्यम से। 4 में उसकी एग्जामिन होती है। रूल 5 जिसने जो 7 आधार बताए, वो 7 आधार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रूल 5 भी आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। उसके बाद में रूल 6 में 10 दिन है और रूल 7 में उनकी सुनवाई होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल 8। रूल 8 क्या है? रूल 7 में उसके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया, आवेदन एक्सेप्ट कर लिया तो उनको इजाजत मिल गई निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की। अब इजाजत मिल गई तो क्या प्रोसीजर होगा, वो रूल 8 में बताया है। उसका वाद जो निर्धन व्यक्ति के रूप में उसने एप्लीकेशन फाइल की, उसका वाद सामान्य वाद की तरह ही चलेगा, लेकिन उसको कोर्ट फीस, सुनवाई के लिए या साक्ष्यों के लिए जो फीस, निर्धारित फीस जो होती है वो नहीं चुकानी पड़ेगी। वो कोई भी फीस देने के लिए दायी नहीं है, यानी उसका वाद निशुल्क फ्री में उसका वाद आगे सामान्य वाद की तरह ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको कोर्ट फीस देने से मुक्ति या छूट प्राप्त प्रदान की गई है। रूल 9 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल 5 इम्पोर्टेंट है कि आवेदन को नामंजूर कर दिया था, आवेदन नामंजूर कर दिया कि भाई ये निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद नहीं ला सकता। लेकिन रूल 6, 7 और 8 को, 7 को सुनवाई हुई और 7 में उसने मंजूरी दे दी न्यायालय कि हाँ आप निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला सकते हो। लेकिन मंजूरी देने के बाद में परमिशन दे दी कि हाँ आप निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाओ, परमिशन दे दी, उस परमिशन का विड्रॉ न्यायालय कौन सी कंडीशन है जब कर सकता है, तो 3 कंडीशन आती है। फर्स्ट आता है 3 कंडीशन इसकी, ठीक है, कि उसका आचरण क्या है, तंग करने वाला रहा है। आवेदक जिसने परमिशन मांगी थी उसका आचरण वाद के दौरान तंग करने वाला या अनुचित रहा है, अनुचित व्यवहार रहा, मिसकंडक्ट करता है, दोषी रहा है, अनुचित या तंग करने वाला उसका व्यवहार रहा है वाद के दौरान, तो न्यायालय दी गई परमिशन को विड्रॉ कर सकता है। या सेकंड पॉइंट आता है कि वाद चलने के दौरान उसके पास में कोई संपत्ति, कोई साधन आ गया है, अब वो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए हकदार नहीं रहा, यानी वाद चलने के दौरान उसने कोई संपत्ति आ गई, उसके पास कोई साधन आ गए, यानी उसके वो अब निर्धन व्यक्ति नहीं रहा है। वाद चलने के दौरान कोई साधन या संपत्ति आ गई, वाद के दौरान संपत्ति आ गई है, तो वो निर्धन व्यक्ति नहीं रहा। या थर्ड, वाद चल रहा है, परमिशन मिल गई, वाद चल रहा है, लेकिन वाद चलने के दौरान उसने किसी अन्य व्यक्ति से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करार कर लिया है, जिसके तहत उस एग्रीमेंट करार या कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस वाद की विषय वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति को वाद की
विषय वस्तु में वाद की, विषय वस्तु में अन्य व्यक्ति का हित, अन्य व्यक्ति का हित प्राप्त हो गया, उसको हित मिल गया है, तो वो निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने के लिए हकदार नहीं रहा। ये तीन कंडीशन में दी गई परमिशन को न्यायालय विड्रॉ कर सकता है। 9A रूल 9A, प्रतिनिधित्व प्लेडर द्वारा ना किया जाना। किसी व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन न्यायालय को लगता है कि इसका प्रतिनिधित्व न्यायालय किसी प्लेडर द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो न्यायालय प्लेडर को निशुल्क विधिक सहायता देने के लिए प्लेडर अपॉइंट कर सकती है। इसमें प्लेडर जहां अपॉइंट किया जाता है उसके लिए न्यायालय हाईकोर्ट पैनल बनाती है प्लेडर्स का कि जो निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट नियम कैसे बनाती है? हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से प्लेडर्स के लिए एक पैनल बनाती है। उस पैनल में कौन कौन से प्लेडर्स होंगे, उनको कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, कितना पारिश्रमिक या उनके लिए चयन की रीति क्या होगी या उनको क्या सुविधाएं दी जाएगी, वो सारे रूल रेगुलेशन हाईकोर्ट राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेके बनाती है। 10, 11 और 11A रूल तीनों एक जैसे हैं, आसानी से याद होंगे कि जहाँ निर्धन व्यक्ति के रूप में उसने आवेदन किया और आवेदक क्या है वाद में सफल हो जाता है, तो वाद में सफल हो गया तो क्या न्यायालय कोर्ट फीस छोड़ देगा? न्यायालय कोर्ट फीस नहीं छोड़ेगा। न्यायालय फिर किससे वसूल करेगा? डिक्री जिसके विरुद्ध आई है, जिसमें डिक्री में जिसको धन का भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया है, यानी नियमित ऋण, नियमित ऋण से कोर्ट फीस वसूली जाएगी। निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन करने का जो इजाजत दिया जाता है उसमें ऐसा नहीं है कि न्यायालय कोर्ट फीस माफ ही कर देता है। न्यायालय कोर्ट फीस कभी भी माफ नहीं करता है, वो कुछ समय के लिए कोर्ट फीस के संदाय को स्थगित कर देता है, एडजस्ट कर देता है। जब वादी अगर सफल हो जाता है तो डिक्री में जिस व्यक्ति को या जिस संपत्ति के लिए डिक्री आई है, के संपत्ति के डिक्री आई है, उस पर भार होगा, यानी वाद की विषय वस्तु पर। रूल 10 ये कह रहा है जहां वादी सफल हो गया वहां कोर्ट फीस वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगा। डिक्री आई है और वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगा, वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार, यानी कोर्ट फीस के सबसे पहले संदाय कहां से किया जाएगा? वाद की विषय वस्तु से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जहां आवेदक असफल हो जाता है, यानी उसको न्यायालय ने परमिशन तो दे दी कि आप निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन कर सकते हो, वाद चला भी सकते हो, लेकिन वाद चलने के दौरान क्या होता है कि वाद में वो असफल हो जाता है या न्यायालय ने दी गई परमिशन को विड्रॉ कर लिया, या तो वो असफल हो गया या दी गई परमिशन को न्यायालय ने विड्रॉ कर लिया, या उसने अपने वाद का ही विड्रॉ कर लिया, वाद का प्रत्याहरण कर लिया, कहां भी किया, ऑर्डर 23 के तहत उसने अगर वो वाद का प्रत्याहरण कर लेता है तो वहां पर क्यों हुआ वाद, वो असफल क्यों हुआ या उसने वाद का विद्रोह क्यों किया, इन तीनों चारों कंडीशन में ही कैसे भी हो उसका वाद क्या है न्यायालय खारिज कर देता है, या असफल हो जाता है, या न्यायालय परमिशन प्रत्याहरण कर लेता है, या वो स्वयं वाद प्रत्याहरण कर लेता है, या न्यायालय उसके
आवाज को ही खारिज कर देता है। तो एक तो वो जितनी फीस साक्ष्यों को समन करने या प्रतिवादी को समन करने के लिए आवश्यक थी वो फीस नहीं जमा कराता है, या वो स्वयं कोर्ट में सुनवाई वाले दिन हाजिर नहीं होता है। तो इन सुनवाई के दिन हाजिर नहीं होता, समन की फीस जमा नहीं कराता, तो उसका वाद क्या खारिज कर दिया, तो वहां क्या कोर्ट फीस माफ हो जाएगी? वो असफल हो गया तो कोर्ट फीस माफ हो जाएगी क्या? नहीं, वहां कोर्ट फीस वादे से वसूल की जाएगी। यानी जो आवेदन कर रहा था आवेदक, जो एप्लीकेशन फाइल करता है, उसे सिर्फ वसूल की जाएगी। आपकी गलती के कारण वाद खारिज हुआ, असफल हुआ, कुछ भी हुआ, तो कोर्ट फीस आप आवेदक से ही वसूल की जाएगी। रूल 11A, वाद का उपशमन, यानी वाद चल रहा था और वाद निर्धन व्यक्ति के रूप में उसने एप्लीकेशन फाइल की और निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद वो चला रहा था, लेकिन वाद चलने के दौरान ही आवेदक यानी वादी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वादी की मृत्यु हो गई तो वाद का क्या उपशमन हो जाता है, एलआर को पार्टी नहीं, एलआर पार्टी नहीं बनते हैं, विधिक प्रतिनिधि पक्षकार नहीं जुड़वाते हैं, नाम 110 के तहत नहीं जुड़वाते, तो क्या होगा फिर? तो फिर उसका वाद का उपशमन हो जाएगा। तो जहां वाद का उपशमन हो गया तो वहां क्या कोर्ट फीस छोड़ दी जाएगी? वहां भी कोर्ट फीस नहीं छोड़ी जाएगी, वहां कोर्ट फीस मृत वादी की संपदा, मृत वादी जो मर गया है, मृत वादी की प्रॉपर्टी से वसूल की जाएगी, की संपदा से वसूल की जाएगी। ठीक है, कोर्ट किसी भी स्थिति में कोर्ट फीस छोड़ती नहीं है। ठीक है, 10, 11, 11A में ये रूल में कोर्ट फीस से संबंधित। अब आता है रूल 12 के, राज्य सरकार रूल 10, रूल 11 या रूल 11A के तहत फीस के संदाय के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। इम्पोर्टेंट नहीं है रूल 12। रूल 13 कहता है कि कोर्ट के संदाय जो फीस वाले जो प्रोविजन 10, 11 या 11A में राज्य सरकार भी एक पार्टी होती है। इम्पोर्टेंट नहीं है 12 और 13 इम्पोर्टेंट नहीं ज्यादा। रूल 14 इम्पोर्टेंट है। रूल 14 कह रहा है कोर्ट फीस की वसूली कैसे की जाएगी। 10, 11 या 11A में जो कोर्ट फीस वसूल करनी है उसकी वसूली की जाएगी कैसे? तो जैसे ही चाहे 10, 11 या 11A के तहत कोर्ट को कोर्ट फीस वसूल करनी है, वहां पे न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय उसकी एक कॉपी, एक प्रति तुरंत कलेक्टर को भेजेगा। कलेक्टर कैसे वसूल करेगा कि मानो वो फीस क्या है, भू राजस्व की बकाया यानी रेवेन्यू ड्यू रहा हुआ है, तो जैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वैसे ही न्यायालय फीस कलेक्ट की जाएगी कलेक्टर के माध्यम से। रूल 15 के पश्चात प्रति आवेदन का वर्जन रेस जुडिकेट आएगी कैसे है? कि एक बार एक मान लो एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन वाद लाने की इजाजत दी जाए, उसके आवेदन पे उसने 2 और 3 के तहत सही किया, रूल 5 के तहत उसके आवेदन को नामंजूर कर दिया, तो फिर क्या दोबारा वो वैसा ही आवेदन निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन कर सकता है? तो वैसा वाद दोबारा आवेदन नहीं कर सकता, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी वाद हेतु पे वाद तो संस्तुत कर सकता है कोर्ट फीस देकर। ठीक है, फिर आता है रूल 16 ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की इजाजत दी जाए तो जो एप्लीकेशन के खर्चे हैं, जो उसको साक्ष्य लेने सुनवाई करने जो भी खर्चे लगे जाएंगे
वो वाद के खर्चों में इंक्लूड माने जाएंगे। फिर आता है रूल 17। रूल 17 ये कह रहा है कि ये सारे प्रोविजन तो क्या है, वादी से रिलेटेड थे, कि वादी वाद करना चाहता है निर्धन व्यक्ति के रूप में। अगर कोई प्रतिवादी, कोई डिफेंडेंट सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का दावा करना चाहता है, मुजराई या प्रति दावा सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का दावा करना चाहता है, तो वो भी जो वादी के लिए जो सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो प्रतिवादी को भी के लिए भी लागू होंगे, यानी वो भी निर्धन व्यक्ति के रूप में मुजराई या प्रति दावा सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का दावा कर सकता है। नेक्स्ट रूल आता है 18 कि निर्धन व्यक्ति के रूप में किसी को वाद लाने के लिए या निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार नियम बना सकती है, ठीक है, अनुपूरक सप्लीमेंट्री प्रोविजंस बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को क्रियान्वित करने के लिए नियम कौन बनाता है, हाईकोर्ट बनाती है। हाईकोर्ट राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेके, हाईकोर्ट राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेके ऐसे रूल रेगुलेशन नियम बना सकती है जिसके तहत कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद ला सकता है या निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। वो नियम कौन बनाएगा, हाई कोर्ट बनाएगी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर। राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपूरक सप्लीमेंट्री नियम ही बनाएगी हाई कोर्ट, अलग नियम नहीं बनाएगी। तो ये था ऑर्डर 33 जो निर्धन व्यक्ति को वाद करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, उसका डिस्कस हमने ऑर्डर 33 में किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।